आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आईपीएल के कल दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली ने पहली बार लीग के फाइनल में जगह बनाई है, जहां 10 नवंबर को उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई से होने वाला है। और कल का शानदार यह मुकाबला रहा और दिल्ली ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शुरुआती मैचों को देखते हुए तो बिल्कुल लग नहीं रही थी। दिल्ली ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की कर ली है और इंतजार अब कल यानी कि 10 तारीख का है, जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी और देखना होगा कि दिल्ली जिस कमाल को फिलहाल कर चुकी है, क्या उसमें एक स्टेप आगे बढ़कर क्या विनर घोषित होती है या फिर मुंबई इतिहास को दोहराते हुए चार बार की पिछली चैंपियन पांचवी बार ये खिताब अपने नाम करेगी। बिल्कुल, दिल्ली ने जिस तरह से कल मैच हुआ उसमें 190 रन का टारगेट दिया था हैदराबाद को, लेकिन हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर मात्र 172 रन ही बना पाई। केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 67 और अब्दुल समद ने 33 रन की पारी खेली, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो शिखर धवन भी शानदार फॉर्म में नजर आए। और कल के मैच पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करते रहे हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, कल के मैच पर निगाहें सबकी रहेंगी, लेकिन आपका अनुमान क्या कुछ कहता है, दिल्ली वाकई कमाल पर एक बार फिर से कमाल करेगी या फिर मुंबई पांचवी बार खिताब अपने नाम करेगी? देखिए, अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए और प्रेजेंट इस बार की भी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उस लिहाज से मुंबई काफ़ी भारी है दिल्ली के ऊपर, लेकिन ये T20 मुकाबला है। कल जैसे सोचा जा रहा था कि हैदराबाद एक शानदार टीम है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन दिल्ली ने उन्हें सरप्राइज़ किया। दिल्ली जो कि पिछले 3-4 मैचेस अपने अच्छा नहीं खेली थी, लेकिन कल शानदार क्रिकेट खेली दिल्ली ने। तो स्टार्टिंग इस बार दिल्ली ने जैसा किया था उसमें ये लग रहा था कि दिल्ली एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर है, और इस बार उन्होंने ये करके दिखाया कि वो पहली बार फाइनल में पहुंची है। तो इसका यही मानना है मेरा कि T20 क्रिकेट में आप कोई भी टीम किसी को सरप्राइज कर सकती है, लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए या अभी तक के इस बार की भी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उसमें लगता है कि मुंबई दिल्ली पर भारी पड़ रहेगी। बिल्कुल राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जिस तरह का मुकाबला कल रहा है वाकई बहुत शानदार। हैदराबाद की मैं बात करूं, दिल्ली की मैं बात करूं, तो दिल्ली की तरफ से अगर शिखर धवन की हम बात करें तो शानदार पारी में वो नजर आए, स्टॉनिस की बात करें वो भी शानदार खेलते हुए नजर आए। शानदार ये जीत दिल्ली ने अपने नाम की है और फाइनल की जगह पक्की कर ली है दिल्ली ने, लेकिन यही कमाल क्या आगे कर पाएगी इस पर निगाहें कल के मैच को लेकर टिकी हुई हैं। और इसी बीच पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी हमारे साथ पहले से बने हुए हैं। रतिंदर, मुझे बस ये बता दीजिएगा, कल जब शो चल रहा था आपने हैदराबाद पर तो दांव नहीं लगाया था? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे कल लग रहा था हैदराबाद का पलड़ा भारी है, लेकिन रचना आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, फिर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई है। बट एंड ऑफ द डे हमें क्रेडिट देना होगा, जिस तरह दिल्ली खेली है, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेली है, शिखर धवन जिस तरह बल्लेबाजी कल उन्होंने की है, उन्होंने फॉर्म को दोबारा पकड़ लिया है, और मार्क स्टोइनिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, और जो लूप होल नजर आ रहे थे अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं सब उन्होंने कवर किए, तो रिकी पॉन्टिंग का यहां पे नाम लेना होगा क्योंकि जिस तरह उन्होंने काम किया है दिल्ली के ऊपर वो सराहनीय है। तो जी हाँ, कल दिल्ली के जो जो लूप होल से अब सब ठीक है, और फाइनल में मुंबई को अब चिंता थोड़ी तो करनी होगी क्योंकि दिल्ली की खोई हुई फॉर्म वापस आ गई है। बिल्कुल, और राजकुमार जी जिस तरह का परफॉर्मेंस कल दिल्ली का रहा है, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे का मैं जिक्र करूं तो जरूरत महसूस ही होती हुई नहीं नजर आ रही थी, लेकिन शिखर धवन को आप ले लीजिए, हेटमेयर को आप ले लीजिए, स्टोइनिस को आप ले लीजिए, ऐसा परफॉर्म किया है इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को दिल्ली की देना तो जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, एक बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया जब स्टॉनिश को ओपन कराया, ये एक बहुत बड़ा मतलब चांस लिया था रिकी पॉन्टिंग ने और वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हैदराबाद की थी और संदीप शर्मा और होल्डर हमेशा दूसरी टीमों को पावर प्ले में बिल्कुल रन नहीं बनाने दे रहे थे और विकेट भी ले रहे थे, तो वहीं पर सरप्राइज किया दिल्ली ने हैदराबाद को स्टॉनिश ओपन करने शिखर धवन के साथ, और एक बेहतरीन शुरुआत दी दोनों ने मिलकर, और उसके बाद शिखर धवन
मैं कहूंगा बहुत जिम्मेदार वाली पारी खेली उन्होंने, दिखाया कि एक सीनियर प्लेयर एक बड़े मैच में कैसे जिम्मेदारी लेता है। एक शानदार पारी उन्होंने खेली और उसके बाद एंड में जिस तरह हेटमायर ने 22 रन पर 45 रन की पारी खेली, तो वहां से 190 रन चेज करना दिल्ली की बॉलिंग के अटैक के सामने बहुत मुश्किल था हैदराबाद के लिए। रतिंदर, अब जिस तरीके से दिल्ली की टीम में दो अहम बदलाव किए गए, क्या क्या उसी का ये नतीजा रहा कि शानदार मैच रहा, शानदार तरीके से जीत हासिल की और अब इसी फॉर्म में इसी लय को बरकरार दिल्ली को रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, जो चेंजेस उन्होंने किए बहुत सराहनीय थे और फर्क पड़ा चेंजेस से। स्टोनिस को ओपन करवाना, दैट प्रूव टू बी अ ट्रम्प कार्ड। बट यहाँ पे हमें ये मानना होगा जो हैदराबाद की स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग थी, और जब 190 रन बोर्ड पे लग गए, बल्लेबाजी हमेशा हैदराबाद की हल्की रही है, वो 150-160 हमेशा बल्लेबाजी से कर सकती है, बट 190 कुछ ज्यादा ही टारगेट हो गया था। तो यहाँ पे बॉलिंग चारों खाने चित की गई दिल्ली के द्वारा हैदराबाद की, जिस तरह होल्डर को मार पड़ी, आई थिंक दैट वाज वेयर हैदराबाद मैच हार गया। राशिद खान ने अच्छी लय को पकड़ के रखा बट उनको बाकी बॉलर से सपोर्ट नहीं मिली, एंड 190 वाज ऑलवेज अ अपहिल टास्क। बिल्कुल, और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने जिस तरह से टारगेट दिया यहाँ पर हैदराबाद को 190 रनों का, ऐसा लग रहा था कि दबाव में पहले ही आ गए, क्योंकि आप देखिए 5 ओवर्स में 3 विकेट चले जाते हैं, तो दबाव पूरी तरह से नजर आ रहा था। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, और सबसे बड़ा झटका उनको तब लगा जब रबाडा ने पहली ही गेंद पर वार्नर को आउट कर दिया। वार्नर एक बहुत स्ट्रांग कड़ी थी जिसके ऊपर हैदराबाद टिका हुआ था, सारी बल्लेबाजी उनकी उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती थी, और उनका पहली गेंद पर आउट हो जाना वो एक बहुत बड़ा झटका था जो रबाडा ने हैदराबाद को दिया, और वहां से वो कभी उभर ही नहीं पाए। उसके बाद प्रियम गर्ग और मनीष पांडे भी बहुत जल्दी आउट हो गए, तो बहुत मुश्किल था 190 रन चेज करना। लेकिन विलियमसन ने एक बहुत शानदार पारी खेली, उनको साथ दिया होल्डर ने और बाद में सैम ने, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 190 रन बनाना बिना वार्नर के बहुत मुश्किल था हैदराबाद के लिए, और वही प्रूव भी हुआ कि अकेले विलियमसन ही फाइट करते हुए नजर आए। बहुत मशक्कत के बाद दिल्ली फाइनल का रास्ता तो तय कर चुकी है, लेकिन रतिंदर अब भिड़ना होगा मुंबई से जो कि 4 बार की चैंपियन है, तो दिल्ली को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या कुछ बदलाव करना होगा, और मुंबई में ऐसा कौन आपको दिखाई देता है जिससे टक्कर मुश्किल होने वाली है दिल्ली की? रचना, सबसे पहले तो अब आप मेरे से ये मत पूछना कि फाइनल की प्रेडिक्शन क्या है, मैं जरूर पूछूंगी। अब मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मुंह पे। नहीं नहीं, आप और अजीब को अब ये जवाब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चारों खाने चित तो मैं हुआ हूं अगर प्रेडिक्शन की बात करें। लेकिन ये बड़ा मैच है मुंबई दिल्ली। मुंबई ऐसी टीम है जिन्होंने फॉर्म को पकड़ के रखा है, मोमेंटम उनके साथ रहा है, और दिल्ली ऐसी टीम है जिन्होंने शुरुआत बहुत बढ़िया की, मोमेंटम उनके साथ था लेकिन मोमेंटम बीच में चला गया। लेकिन कल की जीत के साथ दिल्ली ने दिखा दिया है कि उन्होंने अपने लूपहोल्स को कवर कर लिया है, तो अब मुंबई जरूर सोचेगी कि दे हैव टू प्लान वेल, क्योंकि बॉलिंग अच्छी लग रही है दिल्ली की। शिखर धवन की फॉर्म चिंता का विषय है मुंबई के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी होगा फाइनल में अगर हम मुंबई पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, शिखर धवन को जल्दी आउट करें। तो जी हाँ, बड़ा मुकाबला है लेकिन नो प्रेडिक्शन। बिल्कुल, और आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से कल का मुकाबला रहा है, अब बड़ी बात जिस तरह से देखने के लिए मिली, देखिए परफॉर्म जिस तरह का रहा है यहाँ पर दिल्ली का, हैदराबाद की तरफ से तमाम कोशिशें की गई लेकिन फिर भी दिल्ली ने आखिरकार हरा ही दिया। मोमेंट होता है ये, किसी भी टीम के लिए बहुत ज्यादा गर्व भरा होता है, और आप श्रेयस अय्यर वही शेयर भी कर रहे थे जीत के बाद, अपनी जीत का श्रेय, अपनी टीम की जीत का श्रेय अपनी टीम को बता रहे थे, और कह रहे थे टीम से काफी सपोर्ट मिला है, और अच्छा तालमेल वही होता है जो कि रिजल्ट्स में नजर भी आए, और राजकुमार जी यही दिल्ली की टीम ने किया है। लेकिन रतिंदर कह रहे थे प्रेडिक्शन में बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं, इन्हें छोड़ा जाएगा नहीं, एंड में जरूर पूछूंगी, लेकिन राजकुमार जी, अच्छा तालमेल दिल्ली को आगे भी बरकरार रखना है तभी मुंबई से टक्कर संभव है और जीत संभव है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बात की है कि उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है उनके कोचेस से, सपोर्ट स्टाफ से, क्योंकि आप देखिए बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें रिकी पॉन्टिंग का, मोहम्मद कैफ का, विजय दहिया का, जो कंटिन्यूसली इस टीम के साथ मेहनत करते रहे, और ये टीम काफ़ी खराब प्रदर्शन करके आई थी इससे पहले के आईपीएल में देखें अगर आप,
तो कोई भी दिल्ली को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जिस तरह की शुरुआत इस बार दिल्ली ने की तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरे थे इस टूर्नामेंट में, और वो उन्होंने करके भी दिखाया फाइनल में। अब एक कड़ी दूर है बस वो आईपीएल जीतने से, और मुंबई एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत कंसिस्टेंट टीम है, बहुत डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता। और दिल्ली को अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा एक बार डिस्कस करनी होगी। 1-1 आप जैसे मार्किंग करते हैं हॉकी में फुटबॉल में, तो ऐसे ही 1-1 आपको सोचना होगा, हर प्लेयर के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तो आप मुंबई को जरूर हरा सकते हैं।